हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी आर फैशन। और इस वीडियो में मैं आपको इस प्रिंटेड कुर्ती के लिए बहुत सुंदर नेक डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए मैं इस पिंक कपड़े का यूज़ करूंगी। ये कपड़ा इस प्रिंट वाले कपड़े के साथ मैच कर रहा है। और नेक डिज़ाइन में मैं इस सीक्वेंस वाली लेस का भी इस्तेमाल करूँगी। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक बुकरम का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई 7 इंच है और बुकरम की लंबाई 10.5 इंच है। उसके बाद मैंने एक और बुकरम का पीस लिया है। इस बुकरम की चौड़ाई 2 इंच है और इसकी लंबाई 9 इंच है। उसके बाद ये जो बड़ी वाली बुकरम है उसे हम पिंक कपड़े के साथ में चिपका लेंगे और फिर जो छोटी वाली बुकरम है उसे प्रिंट वाले कपड़े के साथ में चिपकाएंगे। मैंने बड़ी वाली बुकरम को पिंक कपड़े के साथ में आयरन से चिपका लिया है और इस बुकरम को मैंने प्रिंटेड कपड़े के साथ में चिपकाया है। फिलहाल के लिए हम इस कपड़े को साइड में रख देते हैं और फिर इस कपड़े को सेंटर से मोड़ेंगे। तो ये कपड़े की सेंटर लाइन है। फिर कपड़े की सेंटर लाइन पे चौक से निशान लगाएंगे। उसके बाद हम सेंटर लाइन पे 2 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। फिर हम इस किनारे से स्केल को इस तरह रखकर निशान लगा लेंगे। कपड़े की दूसरी तरफ भी ऐसे ही निशान लगाएंगे। फिर कपड़े के सेंटर पे 2-2 इंच पर मार्क करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर से 2 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इन पॉइंट्स को स्केल से मिला देंगे। और फिर यहाँ पे 2 इंच पर मार्क करके इन पॉइंट्स को मिला लेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह से पूरे कपड़े पे निशान लगा लेना है। मैंने पूरे कपड़े पे निशान लगा दिया है और फिर हम गोटे की पतली वाली लेस को इस तरह इन निशानों के ऊपर स्टिच करेंगे। मैंने यहाँ सभी निशानों के ऊपर गोटे की ये पतली वाली लेस लगा ली है। उसके बाद कपड़े की उल्टी साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ बड़े टाकों की सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने कपड़े को मोड़ते हुए बड़े टाकों की सिलाई लगा ली है और यहाँ जो सिलाई मैंने लगाई है उसे मैं बाद में निकाल दूंगी। उसके बाद इस प्रिंट वाले कपड़े की भी उल्टी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ों को मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ भी एक्स्ट्रा कपड़ों को मोड़ते हुए मैंने रफ सिलाई लगा ली है। मैं इस सिलाई को बाद में निकाल दूंगी। मैंने इस कपड़े के सेंटर पे चौक से निशान भी लगा दिया है। उसके बाद हम इस कपड़े के ऊपर इस कपड़े को सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और फिर इस पे पिन लगाकर इसे फिक्स कर लेंगे। कपड़े पे पिन्स लगाने के बाद मैं यहाँ ये सितारे वाली लेस ले रही हूँ। इस तरह की लेस आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। तो इस लेस को
कपड़े के नीचे इस तरह से रखते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ कोने पे लेस को अच्छे से मोड़कर सिलाई लगानी है। मैंने लेस को किनारे से सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। यहाँ मैंने कपड़े पे जो रब सिलाई लगाई थी उसे भी निकाल दिया है। इसे मैं अभी साइड में रख देती हूँ। उसके बाद मैं कुर्ती को सीधी तरफ से रखूंगी। फिर मैं कुर्ती के सेंटर पे चौक से निशान बना रही हूँ। उसके बाद मैं कुर्ती में नेक का निशान लगाऊंगी। कुर्ती में मैं गले की चौड़ाई 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। नेक मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है, मतलब टोटल नेक की चौड़ाई 7 इंच है। और गले की लंबाई का निशान मैं 5.5 इंच पे लगा रही हूँ। मैं यहाँ गले पे स्क्वायर शेप नेक डिजाइन बना रही हूँ। नेक पे मार्क करने के बाद हम इस डिजाइन को लेंगे और जहाँ से हमने गले के लिए मार्किंग की है उससे थोड़ा ऊपर करके इसे सेंटर से मिलाते हुए रखना है और पिंस के साथ इसे कुर्ती में अटैच कर लेंगे। और फिर यहाँ किनारे किनारे से सिलाई लगाकर इसे कुर्ती के साथ में जोड़ लेंगे। जैसे मैंने कुर्ती पे ड्राफ्टिंग की थी बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ नेक भी तैयार करके रखा है। नेक की चौड़ाई 7 इंच है और नेक की लंबाई 5.5 इंच है और नेक को मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है। तो अब मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ।
मैंने इस डिजाइन को कुर्ती में स्टिच कर लिया है। और फिर मैंने जो नेक तैयार किया है उसे कुर्ती में स्टिच करने के बाद आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कुर्ती में नेक बना लिया है और उसके बाद मैंने नेक में पाइपिंग भी लगाई है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात समझाना चाहूंगी, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे अगर आपके गले की चौड़ाई 6 इंच है तो आपको इस डिजाइन की चौड़ाई को गले की चौड़ाई से 1.5 या 2 इंच कम रखना है। इससे आप इस डिजाइन को और भी बेहतर तरीके से बना पाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे अगर नेक की चौड़ाई 6 इंच है और डिजाइन की भी चौड़ाई 6 इंच रखेंगे तो गला बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपसे ये गलती ना हो। कुर्ती में नेक बनाने के बाद मैं ये बटन्स ले रही हूँ और फिर बटन्स को कुर्ती में रखकर स्टिच कर लेंगे। तो अब ये नेक डिजाइन कंप्लीट हो गया है। ये नेक डिजाइन बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।